एक बार की बात है, लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र छोटे से गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। लिली के पास सूरज की तरह उज्ज्वल मुस्कान थी और उसकी हंसी सुनहरे गेहूं के खेतों के माध्यम से कोमल हवा की तरह नाच रही थी। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में लिली के दिल को गाया वह सूरजमुखी का दृश्य था। हर सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांकता था, लिली उन खेतों में घुस जाती थी जहां सूरजमुखी की पंक्तियों पर पंक्तियां लंबी होती थीं। उनके हंसमुख चेहरे आकाश की ओर मुड़ जाते थे। प्रत्येक कदम के साथ उसने अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी और अपने पैरों के नीचे नरम पृथ्वी महसूस की। सूरजमुखी पैच के बीच में लिली ने अपना अभयारण्य पाया। वह घूमती और नाचती, उसकी हंसी सबसे मधुर राग की तरह बजती। वह डेजी चेन बुनती थी और खुद को अपने पुष्प साम्राज्य की रानी का ताज पहनाती थी। और जब हवा सूरजमुखी के माध्यम से फुसफुसाए तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती और सुनती, कल्पना करती कि यह फूल खुद उसके लिए गा रहे थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूरज अपना उतरना शुरू करता, अनिच्छा से लिली अपने सूरजमुखी दोस्तों को विदाई देती, भोर के साथ लौटने का वादा करती। और जैसे ही वह घर चली गई, उसका दिल अपने प्यारे सूरजमुखी के साथ तेज धूप में बिताए एक और दिन की यादों से भर गया। उत्सुकता से अगले साहसिक कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था